हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग का जो एग्जाम्स चल रहा है या फिर आने वाला है सेमेस्टर का या फिर मिड टर्म का, आप उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमारे चैनल के ऊपर आपको पिछले साल से ही आप तो देखने मिल गया होगा कि हमने पूरा एंटायर सिलेबस आपके हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करके रखा हुआ है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और न्यू बैचेस के जो वीडियोस है वो भी बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं और सिलेबस बहुत ज्यादा आगे चल रहा है। करेक्ट है? ठीक है, तो आज फिर से एक मैथ्स का वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम अगेन पढ़ने वाले हैं मैथ्स 2 यानी 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का जो सर्कल चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का हम लाए हैं लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था पिछले ही लेक्चर में, जिसके 3 एग्जांपल्स हमने कर लिए थे, आज जो बचे हुए 2 एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये हम 2 एग्जांपल जो कि बहुत बड़े बड़े हैं इसको हम लोग आज कराने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बस आप लोग को क्या करना है, ये वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करते रहो एग्जाम्स के लिए। एंड साथ ही में आप अभी तक मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जरूर से कर लेना यार, ये मेरा आईडी है, ठीक है, सर्च करोगे तो मिल जाऊंगा या फिर डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप वहां से भी क्या कर सकते हो, मुझे फॉलो जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलो समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे हम जाते हैं हमारे पहले स्लाइड के ऊपर जो कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का जो सबसे पहला पहला मतलब आज के इस लेक्चर का पहला, लेकिन आपके लिए जो इस प्रैक्टिस सेट है उसके लिए अगर हम बात करें वो है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन रीड करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो दोस्तों, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि सर्कल है, दो सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट पी है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्यू है और ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे आर पे। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आर पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ए लाइन पासिंग थ्रू आर, एक लाइन जो है वो आर के थ्रू पास हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये लाइन पास हो रहा है और ए और बी को जाके वो टच हो रहा है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तीन चीज यहां पे प्रूफ करना है, तीन अलग अलग चीज जो है यहां पे हम लोग को दी हुई है प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग इसको बारी बारी से प्रूफ करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पे जो बोला है कि सेगमेंट एपी जो है, दिख रहा है ये सेगमेंट, ये जो एपी दिख रहा है, ये सेगमेंट एपी जो है ये बी क्यू से यानी क्यूबी से पैरेलल है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एपीआर जो है, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है और जो ट्राइंगल आर क्यू बी है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है, ये भी प्रूफ करके दिखाना है। और तीसरा प्रूफ करना है कि एंगल आर क्यू बी जो आएगा, आर क्यू बी यानी ये जो एंगल आएगा दोस्तों, ये एंगल जो है निकालना है, मतलब आर क्यू बी जो है वैल्यू निकालना है अगर ये पी ए आर का जो वैल्यू है हमें दे रखा है 35 डिग्री, ये हम लोग को 35 डिग्री दे के रखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से चीजें हम लोग को निकालनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, देखो अगर आपको समझ में आ रहा है एक चीज यहाँ पे क्लियर कट हम लोग को नजर आ रहा है जो कि डायग्राम में भी दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि ये जो सर्कल है, सर्कल है द सर्कल्स, ठीक है, विथ सेंटर पी एंड क्यू, मतलब दोनों जो सर्कल है जिसका सेंटर एक का पी है दूसरे का क्यू है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, द सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू टचेस ईच अदर एट, किस पे टच कर रहे हैं, एट पॉइंट आर, ये आर पॉइंट जो है इस पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये हम लोग को दिख गया, ये एक चीज हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि जब दो सर्कल आपस में टच होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा टचिंग सर्कल थ्योरम का फंडा लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय यूजिंग टचिंग सर्कल थ्योरम, हमारा जो टचिंग सर्कल थ्योरम है जिसमें क्या बोलता था कि अगर कोई दो सर्कल है और ये आपस में अगर टच हो रहे हैं एक पॉइंट पे तो इसका सेंटर टू सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस प्लस करके होता है, अगर एक्सटर्नली टच हो रहे तो ये भी एक्सटर्नली टच हो रहा है ना, तो वही चीज आएगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे भी अगर आप देखोगे ये पी आर क्यू ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, दैट इज पी डैश आर डैश क्यू, तो ये तीनों क्या आ गए, एक ही लाइन में आ गए एंड इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे दोनों सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच हो रहे। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक और चीज है यहां पे, अगर आप देखोगे मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला, दोनों सेम ही है, मतलब अलग अलग सर्कल के लिए, इस छोटे सर्कल के लिए ये ट्रायंगल है जिसका नाम है पी ए आर, तो अगर मैं ये ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ठीक है ना, मैं क्या बोलता हूं इन, देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये एक स्लाइड में नहीं होगा तो हम मल्टीपल स्लाइड्स लेंगे वन बाय वन, लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहना, जो भी चीज मैं बता रहा हूं लिख रहा हूं या फिर जो बोल रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ दो ही एग्जांपल कराने वाला हूं लेकिन ये एग्जांपल्स इतने बड़े बड़े हैं कि इसको बहुत समय लगेगा, तो ध्यान से देखना क्योंकि तीन तीन चीज पूछा है। अब देखो मैं सबसे पहले ये ट्राइंगल को कंसिडर करता हूं जिसका नाम है ट्राइंगल पी ए आर। अब मैं क्यों ले रहा हूं इस चीज को, देखो ध्यान से, अगर मैं ट्राइंगल को कंसिडर किया, एक ट्राइंगल जो मेरा पी ए आर, इसको मैं कंसिडर करूंगा तो जो सेगमेंट आपको दिख रहा है ये पी से लेके ए,
सेगमेंट पीए जो होगा, ये जो सेगमेंट होगा और ये सेगमेंट पीआर जो होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सेगमेंट पीए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीआर क्यों होगा, पीए पीआर को कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दोनों रेडियस, ये दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आप लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देखो अच्छे से लिखो, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। सर्कल के लिए मैंने जीरो बना दिया, मतलब गोल बना दिया। आप लोग पूरा पूरा लिखना, जगह कम है ना, छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है। तो सेगमेंट पीए इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू पीआर हो गया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब यहां पे आप देखोगे ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कौन सा, ये वाला। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल आपको किस तरह का दिख रहा है, ये ट्राइंगल आपको किस प्रकार दिख रहा है, ये ट्राइंगल में आप देखोगे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दैट इज पी ए आर एंगल, एंगल पी ए आर, ये एंगल देखो, ये वाला एंगल पी ए आर वाला, ठीक है। और एक और एंगल देखो पी आर ए वाला, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल पी आर ए। देखो ये दोनों भी जो एंगल होंगे, ये दोनों जो एंगल होंगे, ये देख के ही मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन बताएगा रीजन, सोचो क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये पूरा ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइंगल ही आइसोसेलिस ट्राइंगल है। और आइसोसेलिस ट्राइंगल का एक रूल होता है बेसिक तौर पर, क्यों आइसोसेलिस ट्राइंगल, पहली बात तो ये भी आपके मन में क्वेश्चन अगर आ रहा होगा तो ध्यान से देख लेना। इसके पहले हमने क्या प्रूव किया, मतलब क्या बताया कि सेगमेंट पीए पीआर है, ये पीए इज कॉन्ग्रुएंट टू पीआर। तो जब दो साइड ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो भी एंगल होंगे वो दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम के वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी जो है, ये दोनों जो एंगल्स है, ये दिख रहा है आपको कौन से वाले, ये जो एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या होंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया हमारा दूसरा चीज, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, अगर मैं ये जैसे ये ट्राइंगल को मैंने कंसीडर किया था जिसका नाम है ट्राइंगल पी ए आर, वैसे इस ट्राइंगल को भी कंसिडर कर सकता हूं जिसका नाम है आर क्यू बी, ठीक है, या फिर आर बी क्यूब बोल सकता हूं मैं, जो बोलना है आपको नाम दे सकते हो। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच लेता हूं सबसे पहले यहां पर। अब यहां पर देखो, अगर मैं कंसीडर करूं मेरा जो दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है आर बी क्यू, ठीक है, दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो इन ट्राइंगल, ठीक है, जैसे पी ए आर लिया वैसे मैं क्यू बी आर लेता हूं, ये पी ए आर लिया ना मैंने, पी ए आर लिया वैसे मैं क्यू बी आर लेता हूं, तो इन ट्राइंगल क्यू बी आर। अगेन यहां पर अगर आप देखोगे तो क्यू आर और क्यू बी ये दोनों एक दूसरे के सेम रेडियस है, तो मैं लिख सकता हूं कि सेगमेंट क्यू आर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QB, Q congruent है क्योंकि भाई रेडियस है सेम सर्कल के, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल है, आई नो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लेकिन देखा जाए तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको कोशिश करोगे सॉल्व करने के लिए तो बहुत सिंपल है, और ऐसे आते हैं एग्जाम में, तीन मार्क्स चार मार्क्स के लिए आ जाते हैं, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन धीरे धीरे सॉल्व होगा, आराम से सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तीन तीन चीज पूछा हुआ है। ये एक चीज हो गया, दूसरा एक और चीज मैं बोल सकता हूं कि जैसे ये इसको कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल यहां पे मैं बोलू दैट इज क्यू बी आर, क्यू बी आर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू, ठीक है ना, बी आर क्यू, बी आर क्यू से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्यू आइसोसेलिस ट्राइंगल थ्योरम, समझ में आ रहा है, क्योंकि आइसोसेलियस है ना ये ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलिस ट्राइंगल होगा तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये दो चीज हमने बता दिया, मतलब ये ट्राइंगल में भी हमने दो चीज प्रूफ करके दिखा दिया कि एक साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहां पे भी प्रूफ करके दिखा दिया इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड और एक एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। अब मैं एक चीज क्या बोल सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है, ये एंगल जो है पी आर ए, मतलब ये वाला एंगल देखो, देख पा रहे हो, ये वाला एंगल पी आर ए, देखो इसको मैं लिखता हूं एंगल पी आर ए जो है, अब इसके अंदर देखो आप क्यू आर बी, यानी ये वाला एंगल क्यू, देखो एंगल क्यू आर बी, मुझे एक बात बताओ कि एंगल पी आर ए मतलब ये वाला एंगल और एंगल क्यू आर बी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? ये ऑब्वियसली इक्वल होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों एक दूसरे को, क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख के समझ में आ गया, देखो हर एक चीज जो आ रहा है समझते जाओ,
ऐसा लोगों को लगता है कि हार्ड होता है, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंड में आंसर आ जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उस पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंचना है, तो एक एक कदम बढ़ाए जाओगे, एक एक सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तब वो पहुंचोगे ना उस पहाड़ पे। तो वहां पे भी यहां पे भी वही करना है, कितने बड़ा भी क्वेश्चन हो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे। तो ये हो गया एंगल पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, क्योंकि वर्टिकल या अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो ट्रायंगल है, देखो यहां पे ध्यान से आ गया, इसको रफ करो पहले, सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा PAR और RBQ है, कौन सा वाला बोल रहा हूं, ये PAR, देखो ध्यान से, कहां गया, ये जो मेरा PAR है ये वाला एंगल, और RBQ मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे देखो। अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रहा है, देखो ये लाइन, देखो अगर मैं दूसरे कलर लेता हूं, दूसरा कलर लेता हूं, आपको शायद दिख रहा नहीं होगा, येलो कलर, व्हाइट के ऊपर दिखता नहीं ना ठीक से, मैं रेड लेता हूं। देखो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं जिसका नाम है एंगल PAR, ठीक है, और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं जिसका नाम है RBQ, समझ में आ रहा है RBQ। अब ये एंगल में और ये एंगल में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है, कैसे, इसको देखो ध्यान से, ये इधर से लाइन गया, ये इधर से लाइन गया, और ये इधर से लाइन गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो आपको दिख रहा है ये जेड जैसा बनता हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है बताओ मुझे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों आप लोग को, कभी भी जेड जैसा फॉर्मेशन होता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं एक दूसरे को अल्टरनेट होते हैं, वो भी एक्सटर्नल वाले, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारा ये दोनों एंगल जो है एंगल पी ए आर बराबर, और दूसरा एंगल आर बी क्यू, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल पी ए आर एक दूसरे को क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से, ठीक है ना, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट जो है वो इसके होने के वजह से मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे अल्टरनेट बन रहा है और ये एक ट्रांसवर्सल जैसा काम कर रहा है, यहां पे जो चीज हमको दिख रही है यहां पे, ठीक है ना, ठीक है, ये जो चीज दिख रही है ए और बी वाली लाइन, तो ए बी एक्स एज ट्रांसवर्सल, ये भी क्या काम कर रहा है ट्रांसवर्सल जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट यहां पे जो होगा सेगमेंट एपी और बीक्यू जो होगा, ये जो एपी दिख रहा है और ये बीक्यू जो दिख रहा है, सेगमेंट एपी और सेगमेंट बीक्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे से, सिंपल सी बात है कि सेगमेंट एपी और सेगमेंट बीक्यू एक दूसरे को क्या कर देंगे पैरेलल बना लेंगे, समझा। आपको अगर याद होगा हमने 8th में आए थे, आप 10th में आ गए हो, आपने 8th में एक चीज पढ़ा था कि व्हेनेवर देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड एक ट्रांसवर्सल उसके बीच में जाता है, ठीक है, तो एक फंडा है उसका कि ये वाला जो एंगल होता है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट, ठीक है। तो हमने तो ऑलरेडी प्रूफ करके दिखा दिया ना कितनी सारी चीजें, क्या कि पहली बात तो पीए मेरा सेगमेंट, ये पीए और ये मेरा पीआर कहां गया, ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, जिसके वजह से मेरा एंगल जो है पीएआर, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, उसके हिसाब से यहां भी प्रूफ करके दिखा दिया कि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, मतलब हर एक चीज सेटिस्फाई हो रहा है, और जो सबसे लास्ट चीज सेटिस्फाई होना था अल्टरनेट वाला, तो ये भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कभी भी अगर ऐसा अल्टरनेट वाला एंगल बनता है और उसमें से एक लाइन पास होके जा रहा है, जो कि ये ए बी वाला आपको दिख रहा है पास होके जा रहा है, तो वो दोनों जो लाइन होते हैं, मतलब ये जो लाइन जो है ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, तो वही चीज यहां पे हुआ कि सेगमेंट ए बी जो है और क्यू बी जो है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या हो रहे हैं पैरेलल हो रहे हैं। तो हम लोग का ये पहला वाला चीज प्रूफ करके हमने दिखा दिया कि सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू, क्या हो गया सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो नंबर वन हमने सॉल्व कर दिया, पहला वाला सॉल्व कर दिया, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यह चीज बहुत सिंपल था, डायग्राम भी दिख रहा है आपको अगेन। अब जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन कि ट्राइंगल एपीआर इज सिमिलर टू आर क्यू बी, मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों को आपस में प्रूफ करके दिखाना है कि सिमिलर है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं, ठीक है, दूसरा चीज नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं मैं, यहां पे हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे, अगेन डायग्राम खोल लेता हूं, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ट्राइंगल एपीआर और आरबीक्यू लेता हूं मैं, एपीआर ले रहा हूं और ट्राइंगल आरबीक्यू में ले रहा हूं, ठीक है, क्या ले रहा हूं मैं ट्राइंगल एपीआर एंड ट्राइंगल आरबीक्यू, ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने ले लिया दोस्तों, ट्राइंगल एपीआर ले लिया, आरक्यू बी ले लिया, ठीक है, आर ए पी आर तो आर क्यू बी होना चाहिए, ठीक है, आर क्यू बी इधर पे आर क्यू बी लिखो, वैसे चलेगा लेकिन आप प्रॉपर लिखो आर क्यू बी, क्योंकि मैंने ए पी आर लिया है ना, देखो कहां गया, सॉरी ये ए पी आर लिया है ना, तो वैसे ये आर क्यू बी हम लोग को लेना पड़ेगा, तो आर क्यू बी मैंने ले लिया, ठीक है,
अब इस ट्राइंगल के अंदर आप ध्यान लगाओगे तो मेरा पी ए आर जो था वो आर क्यू बी से क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। पी ए आर जो है वो दोस्तों क्यू आर बी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कहां गया पी ए आर जो है, ठीक है, पी ए आर जो है वो आर क्यू बी से कॉन्ग्रुएंट है। कहां गया, देखो ये वाला लाइन सेम है ना, ये जो पहले वाला चीज का जो भी प्रूफ रहेगा हम लोग यूज कर सकते हैं ना, सेम ही क्वेश्चन है। तो मुझे एक चीज पता है कि एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू, ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि नहीं, आर बी क्यू की मैं लिख सकता हूं यहां पे। और यहां पे एक और चीज मैं बोल सकता हूं कि एपीआर जो है, ठीक है, एपीआर जो है, देखो यहां पे कहां गया, यहां पे एपीआर, देखो एपीआर मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, और दूसरा जो है यहां पे बी क्यू आर मतलब ये जो एंगल है, मुझे एक बात बताओ ये दोनों एंगल क्या है। ये देखो यहां पे ध्यान से, अगेन रेड वाला मार्कर ले रहा हूं, ठीक है, रेड वाला मार्कर ले रहा हूं। अब इसको देखो, ये लाइन खाली इतना लाइन देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या है एक दूसरे को, अल्टरनेट एंगल है। तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं देखो ध्यान से, एक और चीज लिख सकता हूं कि मेरा जो एंगल एपीआर है विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू बी, एपीआर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू बी, ये दोनों। और ये किस वजह से आया, अल्टरनेट की वजह से आया, अल्टरनेट एंगल्स यहां पे इसके वजह से आया, करेक्ट है, ये हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं, बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे अगर आप देखोगे, एक तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि मेरा पी ए आर, देखो बहुत सारा खेल है इसके लिए, आगे पीछे करना पड़ रहा है, ठीक है, जो दो चीज मैंने प्रूफ करके दिखाया उसमें, एक तो मैंने बताया कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा मैंने बता दिया ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, वही चीज मैंने लिखा हुआ है। तो जब दो एंगल एक दूसरे को यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि ये जो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर होगा मेरे ट्राइंगल आर क्यू बी से, बिकॉज ऑफ कौन सा है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, मतलब एंगल एंगल टेस्ट, बाय एंगल एंगल टेस्ट से हम लोग ने प्रूव करके दिखा दिया कि मेरे जो ट्राइंगल एपीआर है विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल दिस आर क्यू बी, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्लियर है, ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा देखो क्या प्रूफ करना है, देखो समझो इसको, तीसरा क्या प्रूफ करना है कि फाइंड आर क्यू बी, मतलब ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये फाइंड करना है, आर क्यू बी फाइंड करना है जिसमें पी ए आर का वैल्यू 35 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले लिख लो कि एंगल पी ए आर का जो वैल्यू है वो 35 डिग्री दिया हुआ है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें आर क्यू बी जो है, कहा गया आर क्यू बी जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, एंगल आर क्यू बी जो है विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। आप देखो तीसरे को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। अब यहां पे आप देखोगे, ठीक है, कि मेरा आर क्यू बी जो है, आर क्यू बी वो यहां पे 35 डिग्री दिया हुआ है, क्या देखो आर क्यू बी सॉरी आर बी क्यू यहां पे देखो, अब एक चीज देखो, यहां पे आर क्यू बी किधर है, ये वैल्यू आपका 35 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू 35 डिग्री है तो ये भी आपका 35 होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जब आर क्यू बी जो है, ठीक है, सॉरी पी ए आर आपको दिया हुआ है ना, माफ करना, ठीक है, यहां पे हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक सेकंड देख लो, पी ए आर दिया है, मैं समझा आर क्यू भी दिया है, पी ए आर का वैल्यू 35 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका 35 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका 35 डिग्री है, तो आपका ये जो होगा ये भी 35 डिग्री होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आर बी क्यू जो है, ठीक है, पी ए आर 35 डिग्री है, करेक्ट है, पी ए आर मेरा 35 डिग्री है, तो देयर फोर एंगल आर, क्या नाम है, आर बी क्यू, एंगल आर बी क्यू भी होगा 35 डिग्री। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि पी ए आर और आर बी क्यू, जो पी ए आर और आर बी क्यू ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अल्टरनेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा आर बी क्यू जो होगा वो भी कितना होगा दोस्तों, 35 डिग्री होगा, ठीक है, तो आर बी क्यू और पी ए आर दोनों 35 डिग्री है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट, ये हम लोग को पता है, हम लोग रीजन लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टरनेट एंगल के होने की वजह से यहां पर यह चीज है। अब नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे ध्यान से, कि हमें एक चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, एक चीज पता है, कहां गया ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल जो है, कलर चेंज करना पड़ रहा है ना बार बार, इसके लिए टाइम लग रहा है, ये ट्राइंगल को सिर्फ ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू जो है हम लोग को पता चल गया 35 डिग्री है, ठीक है, और कुछ वैल्यू पता है क्या यहां पर, ध्यान से देखो, और कुछ वैल्यू पता है क्या मुझे यहां पर, ठीक है, और कुछ वैल्यू मुझे पता है क्या, थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर देखोगे तो और कुछ वैल्यू मुझे पता है क्या,
ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या हो सकता है, और साथ ही में आपको एक चीज पता है दोस्तों कि मेरा एंगल जो है आर क्यू बी प्लस आर बी क्यू, आर क्यू बी प्लस आर बी क्यू, ठीक है ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल, और दूसरा जो एंगल बच रहा है जो कि है दोस्तों बी आर क्यू, ये जो एंगल बच रहा है, ठीक है ना, क्या बच रहा है दोस्तों, बी आर क्यू जो बच रहा है ये होगा हमारा, ठीक है। अब यहां पे देखो, देखो आ गया यार, इसको समझो, इसको समझो, ये जो ट्राइंगल है इसको देखो, ठीक है, यहां पे हम अटक नहीं रहे हैं, यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि वो आया कहां से, ये आपको बताना है ना। तो हम लोग ने वो नेमिंग नहीं किया, हमने एक शुरुआत में गलती क्या की कि हमें इसको नंबरिंग देना चाहिए था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये ट्राइंगल जो मैं आपको बता रहा था कि ये दोनों ट्राइंगल में द सम ऑफ, ठीक है कलर चेंज करता हूं, क्या बोल रहा हूं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे कहा गया द सम ऑफ ऑल एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें ये एंगल मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एंगल तो पता है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल आर, एंगल क्यू और एंगल बी, यहां पे देखो ध्यान से मैं आगे चला जा रहा हूं, देखो एंगल क्या है, सबसे पहले ये वाला आर बी क्यू, ठीक है आर बी क्यू प्लस एंगल आर क्यू बी प्लस प्लस बी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल, इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, समझा। अब ये जो आर बी क्यू है ये दिख रहा है, ये एंगल मुझे पता है 35 डिग्री, क्योंकि पी ए आर 35, तो ये भी 35 होगा जैसे हम लोग ने ऑलरेडी निकाला, तो ये आपका 35 डिग्री पता है मुझे, ठीक है। आर क्यू बी जो है ना वो निकालना ही है, एंगल आर क्यू बी जो है दोस्तों वो ऑलरेडी हमें जो है दोस्तों वो निकालना है, ठीक है। अब मुझे एक बताओ बी आर क्यू जो है, देखो ध्यान से, ये बी आर क्यू जो है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों सेम है ना, हमको पता है ना आइसोसेलिस ट्राइंगल, तो ये जो बी आर क्यू जो मैंने लिखा है, देखो ध्यान से कहां गया, ये जो बी आर क्यू लिखा है वो एक्चुअल में इसके बराबर भी है, तो एंगल आर क्यू बी लिख सकता हूं उसके जगह पे मैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो हम लोग बहुत आराम आराम से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट करा के आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कहां से आया वो, एक्चुअली हमने नंबर वन लिखना चाहिए था वहां पे पॉइंट, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि ये बी आर क्यू जो है, ये जो बी आर क्यू एंगल है वो इसके ही बराबर है ना, तो बी आर क्यू लिखो या फिर मैं आर आर बी क्यू लिखो, दोनों एंगल तो सेम ही है, समझ में आ रहा है। तो ये एंगल दोनों सेम ही है, ये एंगल और ये एंगल, तो इसके जगह पे मैंने आर क्यू बी ही दो बार लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 35 डिग्री प्लस ये हो जाएगा टू टाइम्स आर क्यू बी, ठीक है, प्लस टू टाइम्स आर, टू टाइम्स एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देखो ध्यान से, तो ये 35 उधर जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, मतलब टू टाइम्स एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 35 डिग्री, समझ में आ रहा है, 180 माइनस 35 डिग्री, ठीक है, 180 माइनस, एक मिनट, आर बी क्यू है, माफ करना, आर बी क्यू, आर बी क्यू, आर बी क्यू के बराबर है ना, हाँ। तो देखो यहां पे गड़बड़ क्या किया, देखो गड़बड़ क्या किया मैं बताता हूं, गड़बड़ क्या हुआ, हमसे ही गड़बड़ हो गया, देखो दोस्तों गड़बड़ क्या हुआ, देखो ध्यान से, जैसा मैंने बोला कि ये जो बी आर क्यू है वो किसके बराबर है, बी आर क्यू जो है, बी आर क्यू किसके बराबर है, आर बी क्यू के बराबर है ना, और आर बी क्यू का वैल्यू 35 डिग्री है, मतलब उस बी आर क्यू की जगह पे हम 35 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना दोस्तों, तो हमने वो गड़बड़ ये किया कि यहां पे 35 नहीं लिखा, अब ये 35 हो जाएगा दोस्तों 70 डिग्री, और ये प्लस आर क्यू बी, प्लस एंगल आर क्यू बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 180, तो देयरफॉर एंगल आर क्यू बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 70, तो अब आपका आंसर आ गया एंगल आर क्यू बी का जो कि आ रहा है 110 डिग्री। फाइनली दोस्तों, फाइनली हमारा आंसर आ गया, खत्म किया, देखो बहुत टफेस्ट एग्जाम्पल था ये, हम लोग भी बीच बीच में अटके, लेकिन अटकने का मतलब क्या होता है, हम लोग को जजमेंट करना होता है अपने आप को कि यार देखो हम सही जा रहे कि नहीं जा रहे, तो होता है ये एग्जाम में। अब देखो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल था, लेकिन अगर आप इसको एक से दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सोचो आप कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल आराम से कर सकते हो और आराम से आपका आंसर भी आ जाएगा। तो एंगल आर क्यू बी का जो वैल्यू आ गया दोस्तों फाइनली 110 डिग्री जो है वो आ गया, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, देख पा रहे हो, क्लियर है, समझ में आ गया, सब चीज बराबर है। तो देखो यहां से शुरुआत हो रहा है ये क्वेश्चन पूरा, और खत्म यहां पे हो रहा है, तो ये पूरा आपके लिए दो स्लाइड्स है, फटाफट से नोट डाउन कर लेना आपके लिए, ठीक है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो,
ये पहला पेज, उसके बाद ये वाला आंसर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ यहां पे। अब ये फिगर में आप देखोगे अगर ध्यान से, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, लाइन एल मेरा कॉमन लाइन जा रहा है, ठीक है, टचेस द सर्कल डी स्पेक्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। आपको सी डी मतलब ये जो पॉइंट है सी से लेकर डी तक का, इसका लेंथ निकालना है। और रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 4 सेंटीमीटर, इसका छोटे वाले का 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है सर, छोटे वाले का 4 सेंटीमीटर है, बड़े वाले का 6 सेंटीमीटर। चलो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सेगमेंट ए एफ, ठीक है, हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो कलर रेड रखू कि ब्लैक, चलो चलो रेडी रखता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे देखो, मैं ये जो पॉइंट है ये कनेक्ट करता हूँ, ये वाला पॉइंट यहां से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ये दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल करने के लिए यहाँ पे मैं एक और लाइन जो कि इसके पास खींचता हूँ, और इसका नाम जो है दोस्तों वो रखता हूँ एफ। ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं रखता हूँ एफ। तो क्या ड्रॉ किया हमने, ए एफ को ड्रॉ किया, और ये बी तो पहले से ही था। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप देखो, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मुझे एक चीज पता है कि जो सर्कल्स है जिसका सेंटर ए एंड बी है, द सर्कल्स एस आई सी आई आर सर्कल्स हैविंग सेंटर ए एंड बी टचेस, एक दूसरे को टचेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये ई है ना, ये पॉइंट क्या है, ई है, तो देयरफॉर ए ई बी ये आएगा, ठीक है ना, ये यहां पे क्या आएगा, ए ई बी आएगा। अब यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा ए सी डी और बी डी सी, ए सी डी, देखो एंगल ए सी डी और मतलब ये वाला एंगल और बी डी सी, ये क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल, क्या होगा कौन बताएगा, जल्दी फटाफट से कमेंट में बताओ मुझे फटाफट से क्या आएगा। ऑब्वियसली ये जो एंगल्स होंगे ये होंगे 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, कभी भी कोई टेंजेंट जा रहा है और रेडियस है तो उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एंगल एसीडी जो रहेगा ये इक्वल टू रहेगा बीसीडी से, जो कि रहेगा 90 के बराबर, ठीक है, 90 के बराबर रहेगा। और ये क्यों हुआ 90 के बराबर, बिकॉज हम लोग रीजन लिख सकते हैं टेंजेंट थ्योरम, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रीजन टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है ए एफ डी जो आपने बनाया, ये ए एफ डी ये जो एंगल आपने बनाया, मुझे बताओ ये कितना होगा, एंगल ए एफ डी कितना होगा बताओ, क्योंकि ये लाइन इस तरह था लेकिन आपने इसके पैरेलल में ये लाइन बनाया, तो ये आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ए एफ डी इज ऑल्सो 90 डिग्री, और ये कैसे आया, बिकॉज आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ, ए एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक बताओ कि मेरा जो ए एफ डी 90 डिग्री था, तो ये सी ए एफ यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल सी ए एफ जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ रिमेनिंग एंगल। और अब ये जो पूरा का पूरा आपको डब्बा दिखेगा, ए एफ डी सी या फिर ए सी डी एफ जो भी बोल रहे हो, ये आपको क्या दिखेगा, एक पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल दिखेगा। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो डब्बा दिख रहा है जिसका नाम है ए सी डी एफ, देखो यहां पे ए सी डी एफ एक्चुअल में क्या है, ये इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल हुआ कौन बताएगा रीजन, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों 90, तो ये दिख भी कैसा रहा है, रेक्टेंगल जैसा, और 90 चारों साइड आ रहे हैं, मतलब ये मेरा जो ए सी डी एफ जो मेरा आ रहा है वो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, हर एक का मेजर 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे एक चीज देख रखा है उन्होंने कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल सर, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो दोनों का रेडियस मुझे पता है ना, कितना दिया हुआ यहां पे, इसका रेडियस हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, इसका मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि एसी का जो वैल्यू आएगा, सबसे पहली बात तो ये जो रेडियस है ना एसी का वैल्यू, छोटे वाले सर्कल का, जो ये छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और दूसरा जो ये है आपका, ठीक है, ये दिख रहा है आपको पूरा मिला के डीबी, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एसी जो था ये 4 सेंटीमीटर है, सेम रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो डीएफ होगा, ये जो डीएफ ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है वो। ये पूरा तो मुझे पता है डीबी जो कि 6 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है, ये पूरा जो डीबी देख पा रहे हो, पूरा डीबी 6 सेंटीमीटर, लेकिन सिर्फ डीएफ चाहिए, तो डीएफ किसके बराबर होगा, एसी के बराबर, जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अब ये डीएफ आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मुझे अगर, समझ लो कहां लिखूं, मैं नीचे लिखूं कि साइड में लिखता हूं, चलो अगर देखो ध्यान, अगर मुझे यहां पर बी डी जो आपको दिख रहा है, ये बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये बी डी का जो डिस्टेंस है, ये टोटल क्या है, बी एफ प्लस एफ डी,
बी एफ, ठीक है, बी एफ प्लस एफ डी, लड़कियां खुश हो रही है उधर पे, ठीक है। देखो यहां नहीं लिखते, यहां लिखते, थोड़ा सा ये हो रहा है ना, इधर लिखता हूं, बी डी इज इक्वल टू बी एफ प्लस एफ डी, समझ में आ रहा है। तो बी डी मुझे पता है कि अभी अभी हमने देखा कि बी डी मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस है जो कि है 6 सेंटीमीटर। बी एफ मुझे पता है क्या? नहीं, तो बी एफ वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन मुझे एफ डी पता है, अभी अभी मैंने निकाला, एफ डी बोल लो, डी एफ बोल लो, जो कि है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी एफ कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो बी एफ का वैल्यू भी मिल गया मुझे 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू, छोटा सा वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया तो बी एफ का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहां पे जो पूरा का पूरा ये सेगमेंट दिख रहा है ए बी, ये ए बी का वैल्यू क्या होगा बताओ, ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए ई प्लस ई बी, तो ए ई प्लस ई बी दैट विल बी नथिंग बट 4 प्लस 6, तो आपका ए बी का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों टोटल मिला के 10 सेंटीमीटर, समझा। ए बी का वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर मिल गया, ए मतलब ये क्या है ना, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 है, इसका 6 है, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो ए बी का वैल्यू भी कितना मिल गया आपको, 10 सेंटीमीटर जो है वो मिल गया। आपको पूछा क्या है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, सी डी का वैल्यू निकालना है, करेक्ट है। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो अच्छी तरीके से, ए बी का वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर मिल गया है, अगर यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहां पे मैं एक ट्रायंगल एएफबी जो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये एएफबी में कंसीडर करता हूं, इन ट्रायंगल एएफबी, अगर आप इसमें देखोगे ट्रायंगल एएफबी में, ये जो एंगल होगा ये 90 होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल जो एएफबी है, इसमें मेरा जो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है वो क्या बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल एएफबी जो है, एंगल जो मेरा ए एफ बी जो है वो क्या बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री बन रहा है। एंड इसके वजह से हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बोल सकते हैं यहां पे, कि ए बी का स्क्वायर जो रहेगा, ये जो हाइपोटेनियस है ना, तो इसका जो ए बी का स्क्वायर जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर के बराबर रहेगा, तो ए एफ स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ए बी का वैल्यू पता है मुझे, अभी भी पता है 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ, मुझे पता है क्या दोस्तों, ये ए एफ कहां गया, ये ए एफ का वैल्यू पता है क्या, देखो ध्यान से, ए एफ कहीं दिख रहा है आपको, ए एफ का वैल्यू कहीं पे दिख रहा है क्या, ए एफ का वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो यहां पर आ जाएगा ए एफ का स्क्वायर एज इट इज प्लस एफ बी का वैल्यू मुझे पता है, अभी अभी निकाला था ना आपने बी एफ 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस 4, तो देयरफॉर ए एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस 4 यानी कि 96, ठीक है। तो ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 96 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एफ का अंडर रूट ऑफ 96, तो देयरफॉर ए एफ इज इक्वल टू व्हाट, 96 मतलब कैसे लिख सकता हूं मैं, 96 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 6 96, 16 का रूट बाहर मतलब 4 बाहर, अंदर 6, तो 4√6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, किसका, ए एफ का, AF का वैल्यू आया 4√6, मतलब ये जो AF दिख रहा है ये वाला लाइन, इसका वैल्यू आया 4√6 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD, तो इसके ऊपर जो CD दिख रहा है उसका वैल्यू निकालना है। तो आपने अगर AF निकाल लिया, तो अगला जो है AF जो होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, CD के बराबर होगा, करेक्ट है कि नहीं, AF जो होगा वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। तो ये जो AF दिख रहा है, AF इज इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ए एफ इज इक्वल टू सी डी होगा। तो आपका जब ए एफ आपने जो निकाला हुआ है कितना आ रहा है, 4√6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सी डी होगा वो कितना हो जाएगा, 4√6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो सी डी हम लोग को कैलकुलेट करना था दोस्तों, वो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, और बिल्कुल बड़ी आसानी से हमने इस वैल्यू को अभी जो है वो निकाल दिया, करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। तो बस यही था दोस्तों हमारा पूरा सॉल्यूशन, आप एक बार देख लो वापस से हमने क्या क्या किया है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहां पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर दिया है, और इसी के साथ ये जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 है इस चैप्टर का, ये भी हो गया टोटली 100% कंप्लीट। आप देख सकते हो सिर्फ 2 एग्जाम्पल कराया हूं, लेकिन कितने बड़े एग्जाम्पल थे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, होपफुली अगर एग्जाम में आ गया तो आपका पूरा प्रैक्टिस रहेगा, तो आप उसको सॉल्व करके आ सकते हो, और 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आप डेफिनेटली आप उसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि यार 1 मिलियन अब आपके हाथ में, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर से उनको बोलना सपोर्ट करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू फ्रेश एंड बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।